हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन देखा था सेल का। आज देखेंगे समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सेल कैसे रहता है? सारे प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं और विद्युत वाहक बल होते हैं, वो एक ही सिरे में जुड़े होते हैं। मीन्स जैसे दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, तो सारे प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल उसी में जुड़े होंगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या होंगे? समांतर क्रम में सब अलग अलग जुड़े होंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग को सेल का यूज कब करना चाहिए? जब उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध के तुलना में नगण्य हो, मीन्स कुछ भी ना हो, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध आर है तो, और ये बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, जबकि बाह्य प्रतिरोध को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो श्रेणी क्रम में हम लोग को तब जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तब हम लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे आज समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या लेते हैं? ए और बी दो पॉइंट लेते हैं और इसमें समांतर रूप से जोड़ देते हैं किसको? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध में क्या क्या है? देखो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ ई क्या है? विद्युत वाहक बल है, जबकि आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। मीन्स सेल को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सेल में क्या आता है? आंतरिक प्रतिरोध आता है और विद्युत वाहक बल आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन आई है और यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ भी आई है, लेकिन इधर बाहर की तरफ है और इधर अंदर की तरफ है। मीन्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्या दिखाता है कि ये जो है जो बिंदु ए है वो पॉजिटिव टर्मिनल में है, मीन्स धनात्मक में है, और जो बिंदु बी है वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल में है, ठीक है। और ये आर जो है यहाँ पे क्या है? इसका बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो पूरा समांतर क्रम संयोजन है इसका कुल विद्युत वाहक बल होगा ई होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे संयोजन का कुल प्रतिरोध, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या है यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि इसको आर डी माने, ठीक है। तो ये क्या है प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध तो बहुत सारे जुड़े हैं, और देखो अगर समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? वन अपॉन आर लिखे रहते हैं, ठीक है। जबकि अगर श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, ठीक है। मीन्स आर प्लस आर या फिर आर वन आर टू आर थ्री ऐसा होता है। लेकिन जब समांतर क्रम में होता है तो क्या होता है? वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन अपॉन आर इज इक्वल टू होगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, क्या है यहाँ पे एन सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एन बार हो जाएगा तो एन अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वन अपॉन आर डेस है एन अपॉन आर, ठीक है। तो आर डेस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वन अपॉन आर डेस क्या है? एन अपॉन आर है, तो आर डेस करेंगे तो आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का क्या है हम लोग को? कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध मीन्स क्या है? यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध भी है, आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो ये क्या करेंगे हम लोग? बाह्य प्रतिरोध को भी जोड़ देंगे आर प्लस आर डेस, ठीक है। तो आर डेस क्या है? आर अपॉन एन है, तो आर प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। अब देखो यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या है? आई है, ठीक है। परिपथ में बहने वाली धारा जब आई होगी तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा, जहाँ पे वी क्या होता है? विभवांतर होता है। लेकिन यहाँ क्या है? विद्युत वाहक बल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? विद्युत वाहक बल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या है? कुल विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है। और कुल प्रतिरोध क्या है यहाँ पे? कुल प्रतिरोध आर प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन आर प्लस आर और एन क्या है? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ यहाँ से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू होगा एन आर प्लस आर अपॉन एन हो जाएगा। तो एन क्या है? ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन एन आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक विशेष परिस्थिति आती है। अगर ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान जो है बाह्य प्रतिरोध से जब बहुत कम हो, मीन्स आर इज लेस लेस देन क्या है? एन आर, तब क्या होगा? आई इसको हम लोग जब इसका मान बहुत कम होगा तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान नगण्य हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, आर का मान नगण्य हो जाएगा तो एन ई अपॉन एन आर हो जाएगा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा?
E अपॉन R जाएगा, जहां पे E क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो यहां पे हम लोग को धारा प्राप्त होगी, जो करंट प्राप्त होगा, वो एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, अगर एन आर का जो वैल्यू है, मींस जो बाह्य प्रतिरोध का मान है, वो आंतरिक प्रतिरोध से कम है, तब हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, एन को बाहर कर देंगे, तो एन इंटू ई अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें भी एक सेल में जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, एन गुनी हो जाएगी, मीन्स उतना टाइम बढ़ जाएगा, जैसे कि एन का मान कुछ भी हो, टेन टेन मान लो एन इक्वल टू टेन है, तो इसमें जो होगी ये क्या हो जाएगी, दस टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो बहने वाली धारा, अगर इसका मान क्या है, कम है, ये जो बाह्य प्रतिरोध का मान, ये जो आंतरिक प्रतिरोध के मान की तुलना में कम है, तब इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो क्या हो जाएगी, एन गुना हो जाएगी। अतः इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम यह कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में हम लोग को सेल को तब जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, ठीक है। अब देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन मींस क्या है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, अब है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में क्या होगा, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एन सेल जुड़े हुए हैं, ये एन सेल है, ठीक है। देखो ये श्रेणी क्रम में है, और ऐसे जोड़ दिए तो क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन। तो E क्या है, विद्युत वाहक बल है, R क्या है, जो स्मॉल R है वो है आंतरिक प्रतिरोध, और जो कैपिटल R है वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो इसमें जो कतार जुड़े हुए हैं, टोटल हम लोग मान लेते हैं कि इसमें N कतारें हैं, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और समांतर क्रम में भी जुड़े हैं, लेकिन N कतारें जुड़े हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, ए ई हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ई था, वहां पे ए ई क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हैं, और किसमें जुड़े हैं, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे जो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, ठीक है। अब एन सेल इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब संयोजन श्रेणी क्रम में एन आर हो गया, अब इसमें क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में मैं बताऊं कि वन अपॉन आर डैश होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन आर, एन आर एन आर कितना बार, एन बार है, ठीक है। तो वन अपॉन आर डैश इक्वल टू एम अपॉन एन आर, एन आर एम अपॉन एन आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एम कतार में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है हम लोग को पता ही है, ठीक है। ये श्रेणी में है, ये समांतर में ऐसा जुड़ा हुआ है, और एम कतार में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इस परिपथ का अगर कुल प्रतिरोध निकाले, कुल प्रतिरोध मीन्स ये बाह्य प्रतिरोध को भी लेना पड़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध R प्लस एन आर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। अब एन आर अपॉन एम कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन आर डैश इक्वल टू एम अपॉन एन आर है, तो आर डैश निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एन आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें बहने वाली धारा अगर आई हो, तो फिर यहाँ पे ओम का नियम लग जाएगा, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, तो यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल दिया है विभवांतर की जगह पे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या दिया है, एन ई है, ठीक है, और कुल प्रतिरोध क्या है, आर प्लस एन आर अपॉन एन, ठीक। अब देखो इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर एन ई अपॉन क्या होगा, एम आर प्लस एन आर अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ठीक है। जहाँ पे एम क्या है, कतारें हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है, यहाँ पे स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल r क्या है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है।